नमस्ते जी, मेरा नाम है संदीप कुमार भारती। आज है 24 मार्च 2022 और स्वागत है आप सभी का जंगल सफारी। तो अभी हम लोग आ चुके हैं स्टेचू ऑफ यूनिटी से जंगल सफारी। इसका एंट्री टिकट है 200 रुपया और इसका जो टाइमिंग है 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे, और ये भी सोमवार को बंद रहता है। तो अभी चलते हैं और देखते हैं कि हम लोग का टिकट स्कैन किधर हुआ, क्योंकि हम लोग इसका भी ऑनलाइन टिकट ही निकाल कर लाए थे। ऑनलाइन टिकट स्कैन करा के हम लोग आ चुके हैं अब जंगल सफारी के अंदर। देखिए, जंगल सफारी एक होता है जो जीप पे बैठा के और जंगल में जो सफारी करते हैं वो वाला। ये जंगल सफारी एक तरह का चिड़ियाघर है, ठीक है। इसको नाम दिया गया है जंगल सफारी, और यहाँ पे ये पूरा ग्लास लगा हुआ है, ठीक है, देख रहे हैं। और लेपर्ड है जो वहाँ की सो रहा है, और ये एक को है शायद, इसमें हमको तो एक को दिखाई दे रहा है। ऑनलाइन तो इधर बंगाल टाइगर, ठीक है, लड़के सब इधर अलग करे भाई। हर चिड़ियाघर में जैसे कि जो जाली होता है ना इधर, इसमें ग्लास है भाई, ठीक है, तो एकदम आप क्लियर देख सकते हैं, ठीक। और ये भी सो रहा है भाई, उठ गया जियो, अल्लाह करके भाई उठा दिया उसको, गजब। तो इधर है राइनो, ठीक है, केंडा भाई, दो है। और ये जो इको कट है ना, इको कट टाइप का, इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आप घूम सकते हैं आराम से। तो ये जंगली भैंस सेकंड स्टेप में मैं दिखा रहा हूँ, दो जंगली भैंस है, दो है और दो गेंडा था उधर। और काफ़ी मतलब अभी इससे अच्छा लग रहा है घूमने में, है ना। और इधर रोड अभी कच्चे ही है, मतलब बना हुआ है, थोड़ा धूल मिट्टी हो रहा है, और मौसम भाई साहब बहुत ज़्यादा धूप है, ठीक है। और जंगल सफारी एकदम जंगल का फील दिया गया है, चिड़ियाघर से कुछ अलग है। चिड़ियाघर ही है, सब कुछ चिड़िया ही है इसमें, और पक्षी है जो भी जानवर है, ठीक। लेकिन इसको मतलब थोड़ा लुक अलग दिया गया है, पहाड़ पे जैसे बसा हुआ है बनाया गया है, ठीक। और ये देखिए एक और इको कार टाइप की जो बैटरी रिक्शा जा रही है हमारे साथ। अभी तक हम 3 चिड़ियाघर घूमे हैं ना, कोलकाता, लखनऊ और पटना, ठीक है। और ये मेरा एक तरह का चिड़ियाघर ही है जो, तो इसमें मतलब हर चिड़ियाघर में केवल जाली रहता है और कंपाउंड एक रहता है जैसे घर टाइप का, उसमें पैक रहते हैं। लेकिन इसमें क्या है, देखिए पूरा जाली है चारों तरफ, ठीक है। और इसमें चिड़ियाओं को मतलब खुला छोड़ दिया गया है, ठीक। एक अलग अनुभव के लिए भाई, इसके लिए तो भाई हम 10 में से 10 नंबर देंगे यार इस जंगल सफारी को, ठीक। क्योंकि काफ़ी कुछ अलग है भाई चिड़ियाघर से, जंगल सफारी जंगल में तो है। और इस सबको खाना भी दिया गया है, और हवा भी मस्त लग रही है भाई, क्योंकि हम लोग थक गए और एक बोतल हमको परेशान कर दिया। लेकिन अच्छा, इसमें मछली भी डाला हुआ है ना। हाँ, मछली भी डाल रखा है। हाँ, मछली भी डाल रखा है। ये सब जो पक्षी है ना, ये सब मछली भी इनके खा रहे हैं, मतलब यानी कि मछली डाला गया होगा तभी तो। और फल फ्रूट भी रखा है इसमें, उधर रखा हुआ था। ये देखिए इन लोगों को पानी दिया गया है, इसे गजब भाई साहब, एक अलग अनुभव है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पे भी आ जाइए, मज़ा आएगा भाई। लेकिन धूप है ना तो थोड़ा हम लोगों का मज़ा, लेकिन फिर भी कोई नहीं, रोज़ रोज थोड़ी ना आना है यहाँ पे। देखिए वहाँ पे दिया गया है सबको फल फ्रूट, ठीक है। इसमें तरबूज है शायद, और सेब और अंगूर, मतलब जो भी फल है ना वो दिया गया इन पक्षियों को खाने के लिए। तो ये है वाइट मोर, ठीक है, आज तक मैंने वाइट मोर नहीं देखा था, गजब यार, मानना पड़ेगा भाई। मीठू भी है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मीठू, कटोरी कटोरी मीठू, कटोरी कटोरी, वाह वाह, मीठू मीठू कर रहे है भाई। मैं बोल रहा था मीठू कटोरी कटोरी, गजब यार, मजा आ गया भाई जंगल सफारी में। तो उधर से निकल के हम लोग आ गए हैं इधर, और इधर है थामिन हिरन करके, ठीक है। और देखिए ये पहाड़ पे लाइट का कनेक्शन गया हुआ है, ठीक, देख रहे हैं बिजली का। भाई अभी तक मैंने जितना घूमा है उसमें भाई जंगली गधा नहीं मिला है भाई देखने को लिए, इसमें आपको जंगली गधा भी मिलेगा देखने के लिए, देख रहे हैं। ये सबको दिया गया है, हरी हरी घास है, ठीक। और धूप लग रहा है, अगर मौसम यही ठंडा रहता ना तो मज़ा आता। अगर आप आ रहे हैं ना दोपहर के समय, जैसे कि अभी 2 बजने वाला है, तो पानी का बोतल भाई कैरी जरूर करिएगा, ठीक है, क्योंकि भाई प्यास भी लगेगा आपको। और इको जो काट वाली नहीं थी वो हमको उतार दी, उधर हवा नहीं रही है तो हम लोग पैदल ही चल दिए हैं। और अंदर से भाई थक गए हैं, क्योंकि सुबह उठकर अहमदाबाद से केवड़िया ट्रेन से, और ट्रेन से के बाद स्टेचू ऑफ यूनिटी, और स्टेचू ऑफ यूनिटी घूमने के बाद जंगल सफारी, इसके बाद भाई अब हम लोग से ब्लॉगिंग नहीं हो। लाइक तो इसमें स्रोत दिए, उधर देखिए खेल रहा है दोनों और लड़ाई कर रहे हैं भाई, गजब। इसमें दो ही हैं, दो ही है, गजब। अब पहले हमको लगा ना कि 6 पैर वाला कौन सा भाई स्रोत वियर है, ठीक। तो फिर मैंने देखा कि दो लड़ाई कर रहे हैं उसमें, तो ये अपना उधर गया एक, अरे आ गया इधर, तो ना लगा। और धूप है ना तो छाँव में ही रह रहे हैं भाई, ये पानी पीने जा रहा है।
देखिए यहाँ पे आ गया पानी पीने के लिए। इसमें ग्लास के चलते मतलब पूरा दिखाई दे रहा है इधर, ठीक है। और जो कोलकाता में लगा है ग्लास जो केवल उसमें बंगाल टाइगर के पास लगा है ग्लास, ठीक। और इसका देखिए पानी भी यार गर्म हो गया होगा यार। जब हम लोग भाई इतना हम लोगों को धूप लग रहा है तो प्यास लग रहा है, इन लोगों को यार पानी भी नहीं पिया यार, गर्म हो गया होगा शायद। अगर ठंडा में पानी होगा तब तो ठीक है, नहीं तो बेचारा प्यास के मारे यार छटपटाएगा। ये इस लोगों के रहने के लिए है ठंडा में, देखिए इधर। लेकिन ये पानी पीने गया था, इसका लग रहा है कि मुँह जल गया होगा, क्योंकि भाई इतना ना गर्मी है कि धूप के मारे भाई पानी भी गर्म हो गया होगा, ठीक। और आप बोतल अगर कैरी कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा हर जगह स्टैंड पे पानी की लगी हुई है वाटर मशीन, ठीक। और अभी हम मोबाइल से वीडियो शूट कर रहे हैं क्योंकि हमारा कैमरा की बैटरी हो गया ख़त्म, और एक बैटरी हमारा वहाँ स्टेचू ऑफ यूनिटी पे जो लगे जमा किया है ना वहीं पे है, ठीक। तो कोई नहीं, इधर फ्लावर फ्लावर है भाई, और स्टेचू ऑफ यूनिटी से ही आपको बस मिल जाएगी यहाँ आने के लिए, ठीक है। टिकट बस का कोई नहीं, एकदम फ्री में आ सकते हैं। तो हम लोग पूरा जंगल सफारी नहीं घूमे, आधा ही घूमे होंगे या आधा से कम घूमे होंगे, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा थक गए हैं। और इस वीडियो को हम लोग करते हैं यहीं पे समाप्त, यहाँ पे है जंगल सफारी। अगर कभी आप आ रहे हैं तो आ सकते हैं। थैंक यू सो मच।